हमारे YouTube चैनल मानवेंद्र सिंह बिजनेस कोच पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें और शेयर भी करें, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं और आने वाले समय में आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। इसीलिए हम पे आइकन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइबर के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेल्स में क्या होता है। तीन मुख्यतः का चीज़ें होती हैं उसमें, पर्सनैलिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्रोडक्ट और कंपनी। ये तीन क्यों होती हैं इसके लिए बताऊंगा। पर्सनालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए, एक इंटरनल पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो दोनों बेहतरीन होनी चाहिए। एक इसका वीडियो हम डिटेल में भी बनाएंगे, वो बाद में, पहले आपको इसके बारे में समझाते हैं। दूसरा क्या है, आपका प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी अच्छी होगी तब वो बिकेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो नहीं बिकेगा। नंबर थ्री पर आती है कंपनी कैसी है। ऐसा भी होता है कि क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी कस्टमर को उसका सॉल्यूशन है प्रोडक्ट में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कंपनियां जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स कर देती हैं या कंपनियां कुछ सही नहीं होती हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे प्रोडक्ट बनाए फिर भी वो डूब गई। उसका मेन काम उसका मैनेजमेंट होता है, उन कंपनियों में मैनेजमेंट सही नहीं होता है। तो आप अगर किसी कंपनी में सेल्स के क्षेत्र में जा रहे हैं, सेल्स के क्षेत्र में तीन चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर एक, कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। और नंबर थ्री, जो आपके ऊपर होती है आपकी पर्सनालिटी। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप सेल्स में महारथी बन सकते हैं, सेल्स के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं। और सेल्स को डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं कि मैं इस बात वीडियो बनाऊँ तो आप लोग प्लीज हमें ज़रूर बताएँ, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके साथ में मैं यहाँ स्पाइस इंडस्ट्रीज पर बनाने जा रहा हूँ वीडियो, बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही। इस चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।